दिल्ली और तेलंगाना के बाद अब मध्य प्रदेश के विधायकों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब विधायकों का वेतन बढ़ गया है। शिवराज सरकार के कैबिनेट ने विधायकों के वेतन में 50% की बढ़ोतरी को मंजूरी देकर विधायकों की बल्ले बल्ले कर दी है। अब विधायकों का वेतन 71,000 से बढ़कर 1,10,000 प्रति माह, मुख्यमंत्री का वेतन 1,43,000 से बढ़कर 2,00,000 प्रति माह हो जाएगा, तो वहीं विभागों के मंत्रियों का वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,50,000 प्रति माह हो जाएगा। हालांकि विधायकों ने इनमें डीए को जोड़ने की भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब मध्य प्रदेश के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई हो। 9 साल में यह तीसरी बार विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। साल 2007 में विधायकों का वेतन 35,000 महीना था, लेकिन 2016 आते आते अब यह 1,10,000 रुपए हो जाएगा। वैसे विधायकों की सबसे ज्यादा सैलरी की रेस में तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड और बिहार के विधायक भी आगे हैं, जिनमें तेलंगाना सबसे पहले स्थान पर है। तेलंगाना में विधायकों की सैलरी 2,50,000 प्रतिमाह है, जबकि दिल्ली में विधायकों की सैलरी 2,35,000 प्रतिमाह, झारखंड में विधायकों की सैलरी 2,10,000 प्रति माह, बिहार में 1,41,000 प्रति माह और एमपी में विधायकों की सैलरी 1,10,000 प्रति माह होगी। विधायकों की सैलरी पर जब सवाल उठते हैं तो विधायकों को कई आधिकारिक बैठकों में भाग लेना पड़ता है, सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, विधानसभा का दौरा करना होता है, जैसे न जाने राज्य सरकारों की तरफ से कितनी सफाई दी जाती है, लेकिन फिर भी विधायकों के क्षेत्रों में उतनी उन्नति नहीं देखने को मिलती जितनी होनी चाहिए।